इन्फोसिस 10% कल मार्केट में गिरावट इन्फोसिस में देखी गई है। उसके बाद खूब सारे लोगों ने बोलना चालू कर दिया है कि भैया डाउनग्रेड देना चालू कर दिया है, अब तो इन्फोसिस और गिरेगा, यहां से और कुटाई होगी। मेरे दोस्तों आइए मैं आपको समझाता हूं आसान शब्दों में, इन्फोसिस में अभी बाइंग करें या आपको वेट करना चाहिए या फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां से 100% आरओआई के लिए। चलिए मैं कुछ फिगर एंड फैक्ट्स आपसे शेयर करता हूं जो कि इन्फोसिस का चार्ट आपको खुद बताएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2003 की, इसी तरीके की 10% की गिरावट 2003 में, करीब करीब 26% का फॉल आया था 2003 में, और उसके बाद 47 के आसपास क्लोज हुआ था, वहां से मेड हाई आफ्टर वन ईयर 94 रुपीज का इसने हाई बनाया था। आप देख सकते हो कि बड़ी सी रैली इसने एक साल में दिया था, यानी कि 166% का आरओआई एक साल के अंदर इसने 2003 के बाद दिया था। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अप्रैल 2013 की, सो गाइस अगेन मैं चार्ट लेके आऊं, अगेन अप्रैल मंथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? 2003 में भी अप्रैल में गिरा, इस बार भी अप्रैल में गिरा, तो अप्रैल में फिर से गिरावट आई, जहां पे आप देख सकते हो 22% का एक सिंगल डे में 22% की गिरावट आई है एक बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद। उसके बाद नॉनस्टॉप मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली दी और अगेन एक साल के अंदर 72% का आरओआई, 72% का आरओआई एक साल के अंदर मिला है। अगर मैं तीसरे एक और सिनेरियो की बात करूं अक्टूबर 2019 की, गाइस आप देख सकते हो 16% की गिरावट, आप देख सकते हो यहां पे एक गैप डाउन खुला, बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, 16% इंट्राडे क्लोज हुआ 638 पे, उसके बाद एक साल के अंदर 1186 का मेड हाई, यानी कि 638 से 1186 का हाई है, ऑलमोस्ट 85% का आरओआई एक साल के अंदर बैक टू बैक, तीन बार आपको मैं दिखा चुका हूं, एक और टाइम मैं आपको दिखाना चाहता हूं, चौथी बार। आप देख सकते हो अप्रैल 2023, यस आप सब बोल रहे हैं ना इन्फोसिस में क्या करूं, बहुत सारे लोगों ने डाउनग्रेड कर दिया है कि भैया कोई हाथ नहीं लगाएगा, बिल्कुल बाइंग नहीं करेगा, पता नहीं और कितना गिरेगा, मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। बाप ऑफ ऑल आईटी सेक्टर, मार्क माय वर्ड, अप्रैल 2023 आप देख सकते हो फॉल 10% का इंट्राडे फॉल हुआ है, 10% की गिरावट एक दिन में ही है, 1258 की क्लोजिंग दी है। अब आप मुझे बताओ इससे पहले बैक टू बैक मार्केट ने 80 से 90% का आरओआई एक साल के अंदर दिया है, तो क्या इंफोसिस भी देगा? मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा, सर मैं पर्सनली फॉलो करता हूं एक रूल बेस्ड सेटअप को, यानी कि प्राइस एक्शन को इन्वेस्टिंग के लिए भी। फंडामेंटल आपको पता है इंफोसिस कितना जबरदस्त है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा जो रूल है मैं भागते हुए घोड़े को पैसा लगाना चाहता हूं। अब ये हो सकता है छोटा सा लंगड़ा हुआ हो, मेरे को डिप पे बाइंग नहीं करना, बट मेरे को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अपने सेटअप के बेसिस पे, जहां पे हल्का सा भी घोड़ा मेरा ठीक हुआ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से सीधे वो भागता हुआ मिले, यानी कि मैं पैसे से पैसे को बनाना चाहता हूं, पैसे को रोटेट करके बनाना चाहता हूं। तो यहां पे मैं अभी अपने पैसे को स्टक नहीं करूंगा, अभी अगर आपके पास इंफोसिस है यस मैं बोलूंगा आप अभी यहां पे काट लीजिए, मैं पर्सनली यहां पे काट चुका अपने इंफोसिस की पोजीशन। यस 4 साल बैक टू बैक इंफोसिस ने बोला है कि यहां से 100% की रैली, 100% की रैली, 100% की रैली, बट अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, एक महीना मैं और देखूंगा इसको, एक महीने के बाद मेरे को पिक्चर क्लियर होगी कि एक महीने के बाद जितना भी मूवमेंट होगा उतना कैप्चर नहीं करूंगा, लेकिन एक महीने के बाद मुझे 100% जब कंफर्मेशन मेरे सेटअप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप में मिलेगा, देन ओनली आई विल गो फॉर बाय। दिस इज माय थंब रूल, मैंने आपको भी दिया, स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, जिस दिन मैं इंफोसिस बाइंग करूंगा अपनी क्वांटिटी साथ ही साथ रेट आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, तब बाइंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं इंफोसिस में धमाकेदार 100% की आरओआई। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद किंग रिसर्च और इंफोसिस को होल्ड करके रखिए, बताएंगे ट्यून विद किंग रिसर्च, थैंक यू।